गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी कस्तूरी का वर्क कंप्लीट कराया जा रहा है। हिंदी कस्तूरी में पार्ट 10 कंप्लीट हो चुका है। हमें उम्मीद है कि पार्ट 10 में जितने भी अभ्यास कार्य हैं वे आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। कुछ अभ्यास कार्य कॉपी में कंप्लीट करना था तथा कुछ बुक में भी कंप्लीट करना था। आज मैं आप लोगों को अगला चैप्टर अर्थात पाठ 11 कराने जा रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डेट है 11 पाठ का नाम है गोभी का फूल। पेज नंबर है 56 अर्थात 86। सबसे पहले आप लोगों को पाठ परिचय करा दिया जाए। पाठ परिचय में इस कहानी का सारांश मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा आप लोग बुक पढ़ेंगे तो पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। तो पाठ परिचय के अंतर्गत कहा गया है कि रामेश्वर प्रसाद जी जैसे व्यक्ति सदा दूसरों को सीख देने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग अपना काम भी निकाल लेते हैं तथा दूसरों को परेशान भी करते हैं। इसमें रामेश्वर प्रसाद जी और जो लेखक है वर्मा जी, उनके बीच वार्तालाप किस प्रकार से हो रही है उसी को स्पष्ट किया गया है। कहा गया है कि रामेश्वर प्रसाद जी हरी सब्जी खरीदने खाने की विशेषताओं के धनी थे। बाजार का हर पुजड़ा अर्थात सब्जी बेचने वाला उन्हें देखते ही आइए बाबूजी करके बुलाता था, लेकिन अंतर मन से कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि वे सब्जी लेने जाते थे तो दुकान पर खड़े होकर के सभी सब्जियों की विशेषताएं बताने लगते थे और जो भी सब्जी खरीदते थे, जैसे शलजम लेते थे या गोभी लेते थे तो उसके पत्ते को तुड़वाते थे, आलू लेते थे तो उसमें मिट्टी लगी है तो उसको साफ करवाते थे। मतलब हर जगह वे बहुत ही सूझबूझ से काम करते थे, जिससे सभी कुजड़े उनसे चिढ़ते थे। इसीलिए वे मार्केट में बाजार में निकलते थे तो लोग सोचते थे कि हमारे दुकान पर रामेश्वर प्रसाद जी न आए।
क्योंकि कोई भी सब्जी देते थे तो वे कहते थे कि इसमें कितनी विटामिन है, कितना क्या है, हर सारी बातों को समझाने लगते थे। एक बार वर्मा जी, जो कि इस कहानी के लेखक हैं, वे कहते हैं कि रामेश्वर प्रसाद जी के सामने मेरे मुख से अचानक ही निकल गया कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। इतना सुनते ही रामेश्वर प्रसाद जी तुरंत वर्मा जी के लिए फरमान जाहिर कर देते हैं कि अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो लखनऊ से मेरे लिए गोभी लेते आइएगा। सुना है कि वहाँ पर गोभी सस्ती मिल जाती है और वहाँ की गोभियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, तो 20 पैसे के भाव से, उन्होंने सुना था कि 20 पैसे में वहाँ गोभी मिलती है, तो वर्मा जी को 5 गोभी लाने के लिए 80 पैसे दे देते हैं। वर्मा जी बिना कुछ कहे पैसा ले लेते हैं और पैसा देते समय रामेश्वर प्रसाद जी वर्मा जी को क्या समझाते हैं, वे कहते हैं कि गोभी जो लीजिएगा उसका जो फूल है पूरा गठा हुआ रहना चाहिए तथा बिखरा हुआ फूल नहीं रहना चाहिए, और अक्सर फूलों पर झाइयाँ रहती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, और फूल में जो पत्ते होते हैं, पत्ते जो कुजड़े होते हैं तोड़ लेते हैं, पत्ते भी नहीं टूटने चाहिए क्योंकि उन पत्तों में भी कैलोरी पाई जाती है, उसके डंठल से अचार बनाए जाते हैं, और आप आइएगा तो उसका अचार भी मैं आपको खिलाऊंगा, लेकिन आप गोभी को ध्यान से देखकर लाइएगा। इसके बाद वे कहते हैं कि गोभी में अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, गोभी पूरी तरह से पका होना चाहिए। गोभी के बारे में भी बताते हैं कि अच्छे गोभी के फूल में कच्चा हो तो भी विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी भी काफी मात्रा में पाया जाता है। रामेश्वर प्रसाद जी की बात सुनते सुनते लेखक वर्मा जी सोचते हैं कि यदि इनकी बात मैं सुनता रहूंगा तो मेरी ट्रेन भी छूट जाएगी। किसी तरह से वे वहां से निकलते हैं और लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद वे सबसे पहले सब्जी मंडी में पहुंचते हैं और वहां पर रामेश्वर प्रसाद जी के अनुसार सब्जी खोजने लगे। कोई भी सब्जी का जो दाम 20 पैसे के भाव में रामेश्वर प्रसाद जी दिए थे, 20 पैसे के भाव में वहां सब्जी नहीं मिल पा रही थी, अर्थात गोभी को खोजते खोजते उन्हें बहुत समय निकल गया। अंत में वे गोभी के फूल 30 पैसे में एक एक के भाव से खरीदे और उनको ये समझ में आया यदि रामेश्वर प्रसाद जी बोले हैं तो 2-4 गोभी अपने लिए भी ले लेता हूं। तो 30 पैसे के भाव में वर्मा जी वहां से गोभी खरीदते हैं, जबकि रामेश्वर प्रसाद जी ने 20 पैसे के भाव में पैसा दिए थे।
और गोभी के झाबे को लेकर के एक हाथ में अपना सूटकेस लिए हुए किसी तरह से स्टेशन पर आते हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही वहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वे ट्रेन आने के बाद देखे कि ट्रेन भीड़ से ठसाठस भरी हुई थी। कुछ लोग परिचित मिलते थे तो वे कहते हैं, क्या भाई पार्टी है क्या, क्या भाई दावत कब होगी, मतलब तरह तरह के व्यंग भी उनको सुनने पड़ते थे। और गाड़ी जो ही आती है किसी तरह अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अपना चले गए, लेकिन गोभी का झाबा अंदर ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उसी बीच एक दो गोभी बीच में ही गिरकर शहीद हो गया। अर्थात इतनी जनता थी, उछल दिए गए। और ट्रेन में घुसते ही कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग बोलने लगे कि भाई साहब ऊपर रख दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं सीट के नीचे रख दीजिए और आगे बढ़िए। जैसा कि ट्रेन में भीड़ रहती है तो आप लोगों ने भी सफर करते हुए सुना देखा होगा। और अंदर जाते ही जाते किसी तरह से वर्मा जी पहुंचते हैं, लेकिन उनका गोभी का झाबा नीचे किसी तरह से इधर उधर धक्का मुक्की की वजह से गिर जाता है। और झाबे के जितने भी गोभी हैं सब कुचल कर खत्म हो जाते हैं। अंत में वर्मा जी हताश निराश होकर के अपने यहां इलाहाबाद आते हैं। इलाहाबाद आने के बाद उनको यह समझ में आने लगा कि यदि मैं उनके गोभी नहीं ले जाऊंगा तो पता नहीं किस तरह के बात सुनने के लिए मिलेंगे। इसलिए उन्होंने इलाहाबाद से अंत में 50 पैसे के भाव में 50-50 पैसे के गोभी खरीदे और ले जा करके वर्मा जी को दिए, सॉरी रामेश्वर प्रसाद जी को दिए। और बिना कुछ सुने वहां से तुरंत वे वापस अपने घर चले गए। तो ये इस कहानी का सारांश है, इस कहानी की कहानी है इस पाठ में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप लोग किताब को भी पढ़ेंगे और किताब के माध्यम से भी पूरी कहानी हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू।